इस लाल बटन को दबाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए ओनली फॉर यू चैनल को, और दबा दीजिए इस बेल को ताकि हर न्यूज पहुंच सके सबसे पहले आप तक। वेल नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भारत और आप देख रहे हैं आपका अपना ओनली फॉर यू चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि टेंसेंट जो है कॉल ऑफ ड्यूटी का मोबाइल वर्जन जल्द ही ऑफिशियली लॉन्च करेगा प्ले स्टोर पर। बट अगर आप इसका अर्ली एक्सेस चाहते हैं तो भाई यहाँ पर अर्ली एक्सेस का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूँ कि भाई अभी भी गेम डेवलपमेंट में है और भी इसमें कुछ चेंजेस करने बाकी हैं। तो एक बार ये सारे चेंजेस ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद ही टेंसेंट जो है इस गेम को ऑफिशियली लॉन्च करेगा, ठीक है। और आप ये जानते हैं कि भाई पबजी और कॉल ऑफ ड्यूटी दोनों को एक ही कंपनी ने बनाया है, टेंसेंट ने। तो यहाँ पर कुछ हद तक जो है इसका इंटरफेस बिल्कुल जो है पबजी की तरह है। यहाँ पर मल्टीप्लेयर आप गेम खेल सकते हैं। तो भाई चलिए देखते हैं कि आप इसे किस तरह से इंस्टॉल करोगे अपने मोबाइल में। तो भाई वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन नहीं दबाया है तो भाई दबा दो ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। वेल दोस्तों, यहाँ पर मैंने ले लिया है अपना एंड्रॉइड स्मार्टफोन। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है और आपको इस ऐप जेड आर्काइवर को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, गूगल क्रोम ओपन करना है अपना वेब ब्राउजर, जहाँ पर आपको जाना होगा इस लिंक पर, और ये लिंक मैं आपको दे दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दो फाइल मिलेंगी सिंपली, उसमें पहली फाइल है APK फाइल और दूसरी फाइल है zip फाइल। यहाँ पर दोनों जो ये आइकन बने हुए हैं छोटे छोटे, आपको इससे डाउनलोड कर लेना है डायरेक्टली अपने मोबाइल में। तो अगर आप इस पर टैप करेंगे तो सिंपली डाउनलोडिंग जो है स्टार्ट हो जाएगा, बट ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके रखा है तो मैं ये चीज़ नहीं करने वाला हूँ। उसके बाद आपको वो ऐप ओपन करनी है जेड आर्काइवर को। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको चले जाना है डाउनलोड फोल्डर में। डाउनलोड फोल्डर में जाने के बाद में यहाँ पर आपको दो फाइल वही मिल जाएंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, APK फाइल पर टैप करना है। APK फाइल पर टैप करने के बाद में आपको इसे सिंपली ओपन करना है और यहाँ पर इंस्टॉल पर प्रेस करके इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद में जब आप इसे ओपन करेंगे तो भाई ये ओपन नहीं होगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो दूसरी फाइल है इस पर एक ही आपको टैप करना है। तो यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, यहां पर एक्सट्रैक्ट हियर का जो है ऑप्शन आपको मिलेगा, सिंपली आप इसे एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। यहां पर दोस्तों इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक मिनट से ज्यादा नहीं लगने वाला है, तो आप वेट कर लीजिए। तो भाई अब जो है यहाँ पर ये फाइल जो है अनजिप हो चुकी है आपके सामने, ऊपर की तरफ ये पूरा फोल्डर दिखाई दे रहा है। अब इसे क्या करना है, आपको इसे प्रेस करके होल्ड करना है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑप्शन, तो यहाँ पर सिंपली मैं कर देता हूँ कट। आप कॉपी भी कर सकते हैं बट दो जगह मेमोरी में सेम कॉपी रहे मुझे नहीं पसंद, तो मैं यहाँ से कट करता हूँ। कट करने के बाद में यहाँ पर दोस्तों आपको ऊपर की तरफ इस तरह से टैप करना है और ये जो मेमोरी वाला है डिवाइस मेमोरी, आपको इस पर टैप करना है। उसके बाद में आपको चले जाना है एंड्रॉइड पर। उसके बाद में आपको जाना है OBB फोल्डर पे, ध्यान रहे दोस्तों OBB फोल्डर पे जाना है, और यहां पर ये जो आइकन दिख रहा है पेस्ट नाम का, आपको सिंपली यहां पर पेस्ट कर देना है। मैंने ऑलरेडी ये पेस्ट करके रखा है तो मैं इसे नहीं करने वाला हूं। तो भाई फाइनली ये जो है ये इसका फोल्डर है जिसके अंदर आपकी OBB फाइल रहेगी। ये होने के बाद में दोस्तों आप अपना कॉल ऑफ ड्यूटी इस तरह से जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तो भाई ये था ट्यूटोरियल कि किस तरह से आप कॉल ऑफ ड्यूटी को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे। तो भाई अगर आपको मेरे चैनल के वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, एंड हाँ इसे अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मैं इसी तरह से इंपॉर्टेंट वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय। Almost complete. Keep it up.